बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूं तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, इसके बावजूद भी समाज में दहेज का चलन खत्म नहीं हो रहा है। दहेज लोभी दहेज की भूख में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उनके लिए किसी मासूम की जिंदगी का कोई मोल नहीं रहता। ऐसा ही एक मामला रामपुर के मेलक में सामने आया है, जहां ससुराल वालों ने दहेज में कार की मांग के चलते विवाहिता को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मामला रामपुर की मीलक के गांव का है, जहां दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। मृतका अंगूरी के भाई जग अवतार ने बताया कि अब से करीब 2 साल पहले अंगूरी का विवाह अनुज से किया गया था। शादी में अच्छा खासा दान दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले शादी के बाद से कार की मांग करने लगे थे और इस मांग को लेकर वो मारपीट और प्रताड़ित भी कर रहे थे और इस मांग को लेकर वे अक्सर अंगूरी के साथ मारपीट करते और उसे प्रताड़ित करते थे। कई बार बैठकर इस बारे में पंचायत से सुलह भी कराई गई, लेकिन ससुराल वालों द्वारा अंगूरी को लगातार प्रताड़ित करने का सिलसिला नहीं रुका, जिसके चलते बीते कुछ समय से अंगूरी अपने मायके में ही रह रही थी। 3 दिनों पहले ही अनुज अंगूरी को अपने साथ घर वापस ले गया था, जहां ले जाकर फिर से ससुराल वालों ने अंगूरी के साथ मारपीट की और उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर सभी ससुराल वाले फरार हो चुके हैं। विवाहिता के परिजनों को जब बेटी की मौत की सूचना मिली तो परिवारजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे PM के लिए भेज दिया। शादी को हो गया लगभग 1.5-2 साल। कार मांगते थे और कहते थे दहेज बहुत कम दिया है, हमें बड़े लड़के साथ में इतना दहेज मिला था, आपके यहाँ से कुछ नहीं आया, ऐसे हम इतना तंग करते रहते थे। मामले में एक क्षेत्राधिकारी NP सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मिलक थाना क्षेत्र में गांव कृपया हकू में कल सूचना मिली थी कि किसी महिला ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और उसका शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पंचायतमा भर के तहसीलदार के माध्यम से भिजवा दिया गया है। उसके परिजनों द्वारा दहेज हत्या का मुकदमा थाने पर कायम कराया है 6 लोगों के खिलाफ, जिसके संबंध में मेरे द्वारा विवेचना की जा रही है। दहेज की भूख के चलते न जाने कितनी मासूम बेटियों को दहेज की कुप्रथा की भेंट चढ़ना पड़ता है और ये सिलसिला न जाने कहां जाकर थमेगा। रामपुर से एनीवन न्यूज के लिए बाबर खान की रिपोर्ट।